बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक रेट सोलर की एक और वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आपको दोबारा एक लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। लास्ट डेमोस्ट्रेशन हमने आपको दिखाया था VM3 बेस्ड सिस्टम के अंदर, इट मीन्स के विदाउट बैटरी सिस्टम किस तरह से रन कर रहा था और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे। लेकिन ये जो वीडियो हम आपको PV7000 की दिखा रहे हैं, इसमें लोड भी चल रहा है, बैटरीज भी अटैच हैं, लेकिन सोलर पैनल बहुत कम इसमें इंस्टॉल्ड हैं। सिर्फ 6 सोलर पैनल इंस्टॉल्ड हैं 450 वॉट के। तो अब हम आपको दिखाते हैं, रीज़न बताते हैं कि हम क्या चीज़ें इस वक्त चल रही हैं और इसको सिस्टम को हम आपको एक लाइव डेमोस्ट्रेशन देंगे कि किस तरह से शेयरिंग के साथ काम चल रहा है। इसमें हमने प्रोग्रामिंग क्या रखी हुई ये भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की खास बात ये कि हमने इसमें लिथियम बैटरीज यूज़ की हुई हैं, हवावे की 2 लिथियम बैटरीज इसमें अटैच हैं। और ये यहाँ पर हमारी मार्केट है, यहाँ पर कायदाबाद में RR मोबाइल मार्केट में हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। बिलाल भाई की यहाँ पे शॉप है, वो वहाँ पे ये सारा सिस्टम इंस्टॉल है। अगर जो क्लाइंट हमारे पास कायदाबाद ऑफिस में आते हैं तो वो इसका व्यू भी ले सकते हैं। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त तकरीबन 4.5 किलोवाट का लोड रनिंग है। सोलर से हमारे वोल्टेज जो हैं वो 239 आ रहे हैं। 56.4 पे हमारी बैटरी फुल चार्ज है लिथियम की। अब हम चेक करते हैं कि हमारे एम्पेयर कितने बन रहे हैं। तो तकरीबन 6 एम्पेयर के आसपास लोड आ रहा है हमारा, के इलेक्ट्रिक इन है इसमें। 1.4 किलोवाट का कांस्टेंट लोड जनरेशन हमारे पास सिस्टम में आ रही है। ठीक है, ये आपने चीज़ें चेक कर ली। 80% इस इन्वर्टर की कैपेसिटी का लोड इस पर रहना है। तो ये एक व्यू है। और इसके साथ हम आपको दिखा दें कि के इलेक्ट्रिक की शेयरिंग जो हो रही है वो अराउंड 17 एम्पेयर हो रही है। ये आप देखेंगे 17.1 एम्पेयर हमारी के इलेक्ट्रिक की शेयरिंग है। अब हम क्या कर रहे हैं कि आपको दिखाते हैं कि इस पोजिशन में प्रोग्रामिंग हमने क्या रखी हुई है। तो सबसे पहले हम जाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। दोबारा कोशिश करते हैं। प्रोग्रामिंग में हम जैसे ही जाएंगे तो हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने नंबर 1 मेन्यू में। तो नंबर 1 मेन्यू में हमने SUP रखा हुआ है क्योंकि हमारे पास सोलर सपोर्ट बहुत कम है और बैटरीज भी एडेड हैं और हमने के इलेक्ट्रिक भी ऑन रखा हुआ है। तो ये आपको चेक कराते हैं। SUV है, 60 एम्पेयर चार्जिंग रखी है, अप्लाइंस मोड रखा हुआ है, यूज़र रखा है, बैटरी टाइप हमने क्योंकि मैनुअल डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इसी तरह से हमने के इलेक्ट्रिक से चार्जिंग जो है वो हमने रखी हुई है 40 एम्पेयर, और हमने 51 वोल्ट सेट किए हुए हैं कि 51 वोल्ट पे अगर बैटरी हो तो चार्जिंग शुरू हो जाए उसकी। 56 हमने इसकी मैक्सिमम चार्जिंग लिमिट सेट की हुई है। 16 नंबर पर हमने सोलर और यूटिलिटी दोनों चार्जिंग के ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं। तो ये ओवरऑल हमारी प्रोग्रामिंग है। डी प्रोग्रामिंग हम आपको थोड़ा सा दिखा दें कि हमने डी प्रोग्रामिंग के अंदर 56.4 सेट किया हुआ है 26 पे भी और 27 पे भी। और उसके बाद हमने जो कट ऑफ वोल्टेज है वो 42.5 वोल्ट हमने सेट किया हुआ है। इसी तरह से हमने जो इक्विलाइजेशन है उसकी भी 56.4 सेट किए हुए। तो ये ओवरऑल प्रोग्रामिंग है इसकी इन्वर्टर की। अब हम सिर्फ जो डेमोस्ट्रेशन आपको देना चाह रहे हैं कि एट दिस मोमेंट कि अगर आपको लगे कि यार मेरा सोलर शायद काम नहीं कर रहा या मैं उसका कोई बेनिफिट ले नहीं पा रहा इस तरह की सिचुएशन में, तो हम आपका उसका डेमोस्ट्रेशन देते हैं कि हम क्या करेंगे कि सोलर का ब्रेकर ऑफ करते हैं। लेट्स सी कि ये इन्वर्टर बैटरी के साथ किस तरह से परफॉर्म करता है। इससे पहले वाली वीडियो पे हमने आपको विदाउट बैटरी इसका डेमोस्ट्रेशन दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने 1 फ्लो में सोलर ऑफ कर दिया और आप देखें कि डायरेक्टली एम्पेयर्स कितने चले गए, 24.3 एम्पेयर। इसका मतलब हमारा तमाम लोड जो है वो के इलेक्ट्रिक पे मूव ऑन हो चुका है। तो जब तक सोलर इसमें एडिड था तो ये हमें सपोर्ट भी कर रहा था, और जितना भी सोलर एडिड था वो अपनी मर्ज़ी से उस हिसाब से हमें सपोर्ट दे रहा था और हमारा लोड इजीली रन था। अब आप देखेंगे इसमें से सोलर आउट हो चुका है, लोड हमारा कॉन्स्टेंट जो है वो 4.5 किलोवाट का रनिंग है।